हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप यूनिट 5 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स सीख लिए हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो इम्पल्स के बारे में सीखा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि जनरली लाइफ में ये हम सब फील करते हैं, व्हाट इज इम्पल्स। ओके, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हम अपनी जो लाइफ है उसमें फील करते ही हैं सब, ठीक है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर? तो ये थर्ड लॉ है। तो उसके रिलेटेड, इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड हमें यहाँ पे एक इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है अपनी बुक में, इल्यूस्ट्रेशन 5.5, विच इज IMP फॉर 3 मार्क्स। तो यही थर्ड लॉ एंड इम्पल्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये एग्जाम्पल काउंट करना है। तो देखते हैं हम कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल थोड़ा लेंथी है लेकिन एकदम इजी है, सो आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है वो, क्लियर? तो टू, एक मिनट, देखो, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विथ द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड एज शोन इन फिगर 5.6। तो आपको ये बुक में फिगर दी गई है और एक बात याद रखो, जब भी आपको कोई भी एग्जाम्पल में ऐसा एज शोन इन फिगर, ये वर्ड्स अगर आपके बुक में होगा, आपके एग्जाम्पल में होगा, दैट मींस कि वो एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको फिगर कंपलसरी दी जाएगी। ओके, सो वहां पे आपको फिगर की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सो व्हाट इज, तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, ए द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल एंड बी द रेशियो ऑफ द मैग्निट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल्स बाय द वॉल। ओके, तो दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है जिसमें दो केस आपको दिया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल, टू आइडेंटिकल बॉल्स, हियर इज वन केस, वन बॉल इज फर्स्ट केस, सेकेंड बॉल इज सेकेंड केस। ओके, सो दो यहाँ पे एक ही बॉल है ना, ये यहां से इम्पार्ट करके यहाँ पे गया है, इसलिए रिजिड वॉल विथ द सेम स्पीड, स्पीड भी उसके पास सेम ही है। आपको बुक में स्पीड जो है यू के सिंबल से दी गई है, बट एट डिफरेंट एंगल्स, एट डिफरेंट एंगल्स, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा लेकिन केस बी में आपको एंगल दिया है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब उसकी जो स्पीड है यू, वो विदाउट चेंज आफ्टर कॉलिजन द स्पीड इज एज इट इज, मतलब सेम ही है स्पीड एज शोन इन द फिगर 5.6, फिगर में आपको दी गई है। ओके, तो पहले द डायरेक्शन क्या फाइंड करना है हमें, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, ये वॉल है आपकी, उसकी उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल, बॉल की वजह से वॉल पे डायरेक्शन किस कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है और यहां पे भी की कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों केस में हमें ये फाइंड करना है। बट यहाँ पे देखो, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स हमें मिलेगा कब, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल एम ए, हम देख चुके हैं, राइट? तो एफ इज इक्वल एम ए, तो मास तो वो मिल जाएगा, हमारे पास बॉल है तो उसका मास हम एम डिसाइड कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन नहीं है ना हमारे पास, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी यानी कि स्पीड चाहिए डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे देखो, m इंटू वी गिव्स मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, सो
फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, यानी कि एफ इंटू टी इट गिव्स पी. दैट चेंज इन मोमेंटम इट गिव्स व्हाट, इंपल्स. ये इक्वेशन हम देख चुके हैं, एफ इंटू टी इज इक्वल इंपल्स एंड इंपल्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम. क्लियर? तो पहले हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स फाइंड करेंगे, तब जाके हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी कि इंपल्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है. क्लियर? तो हम अभी देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छे से ध्यान दो, आप एक केस सीखोगे तो सेकंड केस आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ पे विदाउट एंगल फिगर दी गई है. क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट लेट यू बी दी स्पीड ऑफ ईच बॉल, ईच बॉल. लेट यू बी दी स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन with the wall and small m is the mass of each ball. clear? ये हम consider कर रहे हैं यहां पर, suppose कर रहे हैं कि u is the sphere of each ball. स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन. क्यों? बिफोर और आफ्टर कॉलिजन द स्पीड इज सेम ऑफ बॉल. व्हाई? बिकॉज हियर इज राइट बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड. ओके, तो स्पीड इज की एज इट इज रहेगी, आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन सेम रहेगी. ओके, सो नाउ फॉर केस ए, फॉर केस ए यहां पे the direction of the force on the wall due to, इसके लिए हम यहां अभी देख रहे हैं. क्लियर? फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए. ओके, तो ये जो फिगर है मैं यहां पे ले लेती हूं, यहां पे बॉल है. चलो अभी क्या है, तो ये बॉल है, जो बॉल की डायरेक्शन हम x ले लेते हैं और ये जो है y ले लेते हैं, बॉल जो है वो y ले लेते हैं. ठीक है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, x एक्सिस y एक्सिस के हिसाब से ले लेते हैं. अब यहाँ पे इतना नोटिस कर लो कि ये जो है y डायरेक्शन, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमारी x, ये y, तो ये माइनस x और ये माइनस y हुई. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फिगर है, यहाँ पे ये पूरी y एक्सिस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ऐसा नहीं है. ओके, यहाँ पे प्लस आएगी, ऐसा नहीं है. ये फिगर आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, तो ये प्लस ही रहेगा x और y. ओके, एक ही फिगर है हमारी, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ऐसे हमें डिसाइड नहीं करना है. क्लियर? चलो तो अभी देखो, ये बॉल है. अब क्या होगा कि ये जो बॉल है, the ball is going to collide with wall, the ball is going to collide with wall with mass m and speed u. okay, the ball is going to collide with wall with mass m and u, that means the momentum of m into u, mass into speed, velocity, it gives momentum. ओके, सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन. ओके, इन एक्स डायरेक्शन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इज एम इनटू यू. देन व्हाट हैपन, हियर इज द कोलाइड, द बॉल इज कोलाइड विद वॉल. आफ्टर व्हाट हैपन, आफ्टर कोलाइड व्हाट हैपन, द बॉल इज अगेन कम बैक in opposite direction. After collide the ball is again come in x direction, but यहां पर देखो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है.
पहले ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे आ रही थी, ओके। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो यहां पे उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, माइनस एम वी, ओके। तो ये डायरेक्शन चेंज हुई इसलिए माइनस एम, क्लियर, ओके। चलो तो हम ये यहां पे लिखते हैं, सो फिगर समझ में आई, ओके। सो फ्रॉम फिगर ए इन in x direction the initial momentum of ball px is equal, kya hai, m into u, initial momentum aapko mila m into u, clear। So the final momentum in x direction is opposite, so the final momentum of ball in x direction is equal, what happened, minus mu। So see here, there are change in momentum, initial momentum is mu, final momentum is minus mu, so we can say that there is a change in momentum, and the change in momentum, it gives impulse, right? So the change in momentum or the change in momentum or impulse is equal, what is the equation of moment, change in momentum or impulse? So final momentum minus initial momentum, okay, so put this value, any final momentum is minus mu and initial momentum is plus mu, but sign is minus, so minus mu it gives twice mu, but how kaisa rahega ye, minus 2 mu। So for first case in x direction the change in momentum or impulse is minus twice mu, okay। Now for figure A, in first case for figure, from figure A the change in momentum or impulse in y direction, तो हम ये हम x direction के लिए find किया, अब हम y direction के लिए find करेंगे, clear? So in y direction what happened, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि in y direction, now see here, in y direction the initial momentum of ball in y direction, now from figure A, see here this is the figure, okay। तो यहां पे देखो कि बॉल जो है वाई डायरेक्शन में है, कॉलिजन कर रही है, तो नहीं कर रही है, तो बॉल ही नहीं है, तो हमें मोमेंटम मिलेगा कैसे वाई डायरेक्शन में, तो क्या रहेगा, जीरो। सो द फाइनल मोमेंटम भी क्या मिलेगा जीरो, ओके। सॉरी स्टूडेंट, सो हम कंटिन्यू करते हैं यहां पे, तो इन वाई डायरेक्शन, तो यहां पे तो बॉल है ही नहीं, तो हमें मोमेंटम मिलेगा ही नहीं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन व्हाट हैपन, व्हाट वी गेट, सो
change in momentum or impulse is equal. क्या मिलेगा हमें बोलो. आई थिंक अभी आपको फिगर पे समझ आ गया होगा, तो मैं साफ कर रही हूँ यहाँ पे. क्लियर? क्या मिलेगा बोलो बोलो बोलो. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल क्या है? जीरो जीरो इज इक्वल जीरो. क्लियर? तो ये फर्स्ट केस पे से हमें इंपल्स मिला, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम आप बोल सकते हो वो मिला. अभी तो चेंज इन मोमेंटम मिला, तो हमें फोर्स, हमें तो फोर्स चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल. ओके, तो ये फाइन करने की जरूरत क्या थी? तो ये फाइन करने की जरूरत क्यों थी? तो वो हमें सेकेंड केस में मिलेगा. ओके, बट यहां पे देखो, तो इसका आंसर हम लिखते हैं द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच बॉल ऑन द वॉल एंड ऑन द बॉल क्या होगा वो लिखते हैं. सो द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वॉल, फॉर एग्जाम्पल this is wall, this is wall, okay, the force on the wall due to wall, okay, is normal to the wall. Normal means perpendicular, जो हमें पता है perpendicular, यानी ये wall है तो ये उसके लिए perpendicular हो गया. So the force on the wall due to wall is the normal to the wall along with which direction, ये जो है the force on the wall due to ball, तो along with plus direction, plus x direction. तो ball जो है वो wall पे जो force लगा रहे वो ये direction, तो ये direction तो हमारी plus ही रहेगी हमें x y की axis के हिसाब से, right? तो the force on the wall due to ball is normal to the wall along with पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, सेम अपोजिट द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल इज अगेन नॉर्मल टू द वॉल बट अलोंग टू द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि वॉल, बॉल की जाने की डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन वॉल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी, राइट? तो वो नेगेटिव टू दी, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से ये एक्सिस नेगेटिव रहेगी. क्लियर? अच्छा चलो, हमने जो ली है वो कुछ ये फिगर ली है, ठीक है? तो ये वॉल की जाने की हुई, तो ये वॉल इस साइड उसको भेजेगा, राइट? तो ये उसकी नेगेटिव डायरेक्शन हुई. ओके, तो इसका आंसर हम यहां पे लिखते हैं, हियर इज द इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम और फोर्स बोथ आर इन वन डायरेक्शन. इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ओके, नाउ द फोर्स ऑन द वॉल, द फोर्स ऑन द वॉल, ध्यान से देखना, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल इज, ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वर्ड्स हमने इस यूनिट में यूज किया था, इज नॉर्मल टू दी वॉल अलोंग विथ विच डायरेक्शन, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल विच इज अलोंग विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. चलो चेक कर लेते हैं, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वॉल, वॉल के द्वारा जो वॉल पे लग रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा. ओके, एंड अगर बॉल वॉल पे जितना फोर्स लगाएगा तो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन,
क्या है इक्वल एंड अपोजिट, तो वॉल भी बॉल पे उतना ही बॉल फोर्स लगाएगी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसका अपोजिट हो जाएगा, द फोर्स ऑन द बॉल, द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग विथ विच डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। With minus x direction, क्योंकि यहां पे आएगा ही नहीं, ओके माइनस एक्स डायरेक्शन, क्लियर। सो हियर दिस सॉल्यूशन इज ओनली फॉर वन केस, दिस क्वेश्चन्स आंसर इज दिस बट ओनली फॉर वन केस। ऑल्सो द क्वेश्चन इज वॉन्ट दिस आंसर फॉर फिगर बी फॉर सेकेंड केस, सो वो भी हम काउंट करेंगे, ओके। तो इतना समझ लो और लिख लो, तब तक हम दूसरा देखते हैं।